प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती के 1,00,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम का समय 10:30 बजे निर्धारित किया गया था। पीएम मोदी इस अवसर पर नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। और आपको दिखा दें कि प्रधानमंत्री वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं, जहां आज 1,00,000 युवाओं को रोजगार वितरित किया जाएगा, रोजगार पत्र दिया जाएगा। 10:30 बजे से इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। 47 स्थानों पर देश भर में ये रोजगार मेला 47 स्थानों पर आयोजित किया गया है। मेट्रो रेल पटरियों के निर्माण की गति यूपीए के कार्यकाल में मात्र 600 मीटर प्रति मास आपके नेतृत्व में कई गुना बढ़कर के 6 किलोमीटर प्रति मास। और इसलिए जहां सरकारी नौकरियों में रोजगार उपलब्ध रहा, वहां दूसरे साधनों से भी रोजगार उपलब्ध करने का कार्य आपके नेतृत्व में हुआ है। और आज ये जो युवा आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि अगले 20-25 वर्ष भरपूर ऊर्जा और भरपूर क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में इनको अपना आप समर्पित करने का अवसर रहेगा। और 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके विकसित, आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव को संवारने का, निखारने का काम भी इन्हीं नव नियुक्त नौजवानों के हिस्से में आया है। परमात्मा इनको सामर्थ्य दे, इनको सद्बुद्धि दे, इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः